दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनार सर मैथमेटिक्स पर। यहाँ पर आप हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज़ को पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जून 2019 का यह न्यूज़ है, दैनिक भास्कर में छपा है। हाई स्कूल में 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई स्कूल व प्लस टू स्कूलों में 20,000 से शिक्षकों की नियुक्ति होगी, यानी 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। समान काम समान वेतन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षा विभाग नए सिरे से जिलों में जल्द उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की रिक्ति मांगेगा। सभी जिलों से रिक्ति आने पर यह संख्या 20,000 से अधिक हो सकती है। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, साहित्य, विभिन्न विषयों में शिक्षकों की जिलों से रिक्ति आने के बाद पदवर्ग समिति को भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि नियोजन इकाई की जगह केंद्रीकृत तरीके से बहाली हो सकती है। 2017 में शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीकृत तरीके से बहाली की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही थी। विद्यालय शिक्षक चयन आयोग के माध्यम से भी नई बहाली हो सकती है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिस प्रकार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है, उसी प्रकार से विद्यालय शिक्षक चयन आयोग गठन की बात हो रही है। गणित और विज्ञान के शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बीटेक डिग्रीधारी इंजीनियर को शिक्षक बनने पर विचार हो रहा है। बीटेक के साथ एमएमसी डिग्रीधारी को शिक्षक बनने के लिए भी विशेष छूट दी जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमएससी होना चाहिए। हाई स्कूल में शिक्षकों की है कमी। राज्य में 6,000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर बने हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी है। इन स्कूलों में मध्य विद्यालय और बीएससी और इससे अधिक डिग्रीधारी के योग्य शिक्षकों से की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। 2017 में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाल में बिहार विद्यालय समिति ने TET शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई थी, लेकिन हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में बहाली के लिए STET सेकेंडरी शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है। माना जा रहा है कि नई बहाली प्रक्रिया में BEd डिग्रीधारियों की केंद्रीकृत तरीके से परीक्षा लेकर बहाली पूरी कर ली जाएगी। पांचवें चरण में जल्द हाई स्कूल में शिक्षकों का होगा नियोजन। 2017 में शिक्षकों को समान कम समान वेतन देने के फैसले के बाद पांचवें चरण का हाई स्कूल में शिक्षकों का नियोजन रोक दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद पांचवें चरण के तहत जिला परिषद, नगर निकाय, नियोजन इकाई के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर नियोजन के लिए लिए गए आवेदन के आधार पर नियोजन होगा। शिक्षा विभाग जल्द ही नियोजन कार्यक्रम जारी करेगा। मधेपुरा, सुपौल सहित 12 जिलों में पांचवें के तरह चरण के तहत नियोजन बाधित रह गया था। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि अब जल्द ही STET की भी बहाली आएगी, और यहाँ पर देख ही सकते हैं कि इनके लिए रिक्ति आने के बाद एग्ज़ाम STET की एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी और हाई स्कूल और उच्चतर पद भरे जाएंगे। आप इनसे संबंधित न्यूज़ को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए उनसे संबंधित वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।